पास ऐसे ही लड़के आ जाते हैं ना यहाँ पे कि भाई गोवा जाएंगे गोवा जाएंगे, क्या करोगे गोवा जाके? उनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी अलग होती है, यू नो भाई फॉरेनर्स लोग को मानना पड़ेगा, ये ना हेलमेट पहनते ना कुछ, सबके सब रूल्स कानून मुझे ऐसा लगता है अपने इंडियन पब्लिक के लिए ही है। अब देखो मुझे इतना पता है ना आंटी खुद आगे जाएगी ना आंटी आगे जाने मुझे देगी। मैं अपना कैमरा फिलहाल थोड़ा टाइम के लिए ऑन रखती हूँ, इन केस किसी पुलिस वाले को मैंने पकड़ लिया मुझे पकड़ते हुए तो आपको दिखाऊंगी मैं जापानीज कैफे इन गोवा, और दिस इज द मस्ट ट्राई जापानीज कैफे इन इंडिया। ऐसे टाइटल बनाते ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अंजुना बीच। सो ऐसा होता है कि भाई ऑलमोस्ट सभी लोगों को कलंगुट बागा सब जगह पता होती है, सो आई विल ट्राई कि मैं आपको आज अंजुना बीच आपको लेके चलूँ। आई गेस बीच के अंदर ही बागा और कलंगुट आ जाएगा, आई एम नॉट श्योर, चलो देख ही लेते क्या क्या आएगा। पहले देखा ये अंजुना बीच है, ये बागा बीच है एंड कलंगुट बीच है। तो सबसे पहले हम लोग अंजुना जाएंगे एंड अगर टाइम बचा तो मैं आपको बागा और कलंगुट भी लेके जाऊंगी। चलो यार जय महाराष्ट्र। वैसे जैसे जैसे शाम होगी मैं अपना ये वाला चश्मा निकाल के अपना नंबर वाला चश्मा पहन सकती हूँ। भाई कुछ भी बोलो ये वाली बाइक है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी है। भाई फॉरेनर्स लोग को मानना पड़ेगा, ये ना हेलमेट पहनते ना कुछ, सबके सब रूल्स कानून मुझे ऐसा लगता है अपने इंडियन पब्लिक के लिए ही है। ये पेट्रोल दे रहे भाई अपना आधा पेट्रोल है अभी। पेट्रोल अभी आपने देखा होगा यहाँ पे सड़कों के अंदर वैसे बिकता है, ये ब्लैक के अंदर। सो अगर आप ऐसे बीच रास्ते से कहीं अगर आप अपनी बाइक वगैरह रेंट पे ले लेते हो ना तो आपकी टंकी यूजुअली खाली होते हैं। पेट्रोल पंप काफ़ी ज़्यादा आगे है, यानी यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर तो खाली पेट्रोल पंप है। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये आपसे कहते हैं कि आप आसपास ही कहीं पे जाके पेट्रोल ले लो। अब देखो मुझे इतना पता है ना आंटी खुद आगे जाएगी ना आंटी आगे जाने मुझे देगी, क्या करो निकल जाओ। चलो निकल जाते हैं। जय हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट हॉस्टल्स के अंदर अगर आप जोमेटो स्विगी से खाना मंगवाना चाहते हो तो उनकी डिलीवरी भी आपको यहाँ बहुत ही इजीली मिल जाती है। आई मीन बहुत ही कम ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जो बाहर से खाना मंगवाने के लिए मना करते हैं, अनलेस उनका अपना खुद का इन हाउस कैफे हो। एंड ऑब्वियसली अगर हर कोई बाहर से खाना मंगवा लेगा तो उनका खुद का अपना कैफे कैसे चलेगा। लेकिन बहुत सारे हॉस्टल्स के अंदर जो बजटेड हॉस्टल्स होते हैं उनके अंदर इन हाउस कैफे नहीं होता है, और अगर हो गया एंड तब भी अगर उनने आपको अलाउ किया बाहर से खाना मंगवाने के लिए तो आपके अच्छे नसीब। वैसे तो अभी यहाँ पे कोई है नहीं, बट ये एक और ऐसा जंक्शन है जहाँ पे पुलिस बहुत ज़्यादा खड़ी होती है। मैं अपना कैमरा फिलहाल थोड़ा टाइम के लिए ऑन रखती हूँ, इन केस किसी पुलिस वाले को मैंने पकड़ लिया मुझे पकड़ते हुए तो आपको दिखाऊंगी मैं। आई एम श्योर जितने लोग भी गोवा आए होंगे वो ये वाला चर्च तो उन्होंने देखा ही होगा। यहाँ का एक एक्चुअली बहुत ही पॉपुलर सा चर्च है बट मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं पता है। सियोलिम है ये जगह का नाम। तो जो कोई भी मौजिम वगैरह के अंदर रहता हो या नॉर्थ के एक्सट्रीम के अंदर जाएगा एंड अगर उसे बागा जाना है तो यही वाला उसे रूट लेना होता है। अगर आपको इस चर्च का वैसे प्रॉपर नाम वगैरह पता है एंड अगर ऐसे कुछ हिस्ट्री पता है तो मुझे नीचे कॉमेंट्स के लिख के बताना। ये देखो ये कम से कम बच्चों को ऐसे बाहर मुँह तो डालने देते हैं, हमें तो वो भी नहीं देते थे भाई। चलो 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 और वो छेक नहीं करेंगे हम, जान है तो जान है। वैसे पेट्रोल कितना है गाड़ी के अंदर है तो सही, भराने की फिलहाल ज़रूरत है नहीं मुझे, क्योंकि क्या है ना मुझे इसके अंदर एक दिन तो मैं वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए जाऊँगी, शायद कल चली जाऊँ। सो आई डोंट नो, अभी मैं एक काम करूँगी पहले आपको अंजुना बीच यहाँ से दिखाऊँगी, उसके बाद आपको कलंगुट बीच भी दिखा दूँगी एंड वहाँ से जाऊँगी बागा बीच। बागा बीच के ऊपर मैं आपको रात के वक्त के ऊपर, वहाँ एक्चुअली बहुत सारी शॉप्स होती है डेली, आई गेस सुबह में भी खुली होती है पता नहीं है मुझे, बट मैंने इवनिंग के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। सो अब इवनिंग का वक्त हो ही जाएगा वैसे भी पहुँचते थोड़ा सा कहीं कॉफ़ी वॉफी आराम से पी लूँगी, बीच साइड में जाती हूँ बैठती हूँ एंड बागा जाने के बाद मैं अपने लिए कोई ना कोई अच्छा वाटर स्पोर्ट्स बुक करती हूँ। बट मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं वाटर स्पोर्ट्स यहाँ गोवा के अंदर मालवन जाके करूँ, बिकॉज मालवन का जो पानी है वो ज़्यादा बेटर है ऐसा मैंने सुना है। एंड वहाँ की ये वो रूट है जहाँ पुलिस वाले खड़े होते ना, आपको ऐसे साइड से आना होता है, मैं आपको कल बता रही थी, अगर वो वाली वीडियो देखिए जाके देखना। यहाँ भाई पुलिस वालों का बड़ा स्कैम होता है, देखो सब गाड़ियाँ अभी ऐसी आ रही है बट दे एक्सपेक्ट यू कि आप अंदर से जाओ। थैंकफुली रोड क्लोजर फिलहाल यहाँ पे लगा दिया है, बट यहाँ पे भाई बहुत ही बढ़िया वाले लोग स्कैम करते थे पहले। ये जोमैटो वाले भैया आप तक साथ साथ ये बेचारे किसी का खाना ठंडा हो रहा होगा। आशाबाश, ये देखो
सबको पाओ में आना है आज। वैसे बीच में बहुत सारे कैफेज है बट मैं कहीं पे भी नहीं रुकने वाली हूँ, मैं सीधा जाऊंगी अंजुना बीच एंड हम जाएंगे शैक पे बिकॉज मैं जब से आई तब से मैं ना बीच के पास मैंने मतलब ऐसा पाँव नहीं डाला है अपना बीच के अंदर एंड मैं शैक के ऊपर जाके बैठी नहीं हूँ। मे भी मैं शैक के ऊपर जाके ना भी बैठूँ बट एटलीस्ट बीच के ऊपर सीधा जाके बैठ जाऊंगी। वैसे मोस्टली अपने जितने इंडियन लोग होते हैं ना वो शैक्स के ऊपर शाम में थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि हमें ज्यादा टैनिंग का कोई शौक होता नहीं है बट फॉरेनर्स से भैया ये टाइम के ऊपर शैक भरा होता है, इनको पता नहीं क्या मजे आ रहे होते हैं। चलो चले मित्रवा, पता नहीं मुझे बहुत ही उल्टे सीधे गाने याद आ रहे जैसे मैं गोवा आई हूँ। बाय द वे मालवन भी बहुत ही अच्छी जगह है, आई सी अगर पॉसिबल हुआ, आई एम नॉट श्योर अगर पॉसिबल हुआ तो। एक्चुअली मैं बस सोच रही थी कि मैं गोवा आऊँगी उसके बाद में कुछ दिन गोकर्णा चली जाऊँगी बट जिस तरह से यहाँ पे गर्मी है सुबह के वक्त पे इतना ज्यादा ट्रैवल करके गोकर्णा जाना, एटलीस्ट गोवा के अंदर थोड़ी सी नाइट लाइफ है यानी इवनिंग तक भी सब बहुत कुछ खुला रहता है बट गोकर्णा के अंदर आई थिंक इतने ज्यादा लोग नहीं है कम्पेयर टू गोवा, जिस वजह से इवनिंग के अंदर मेरा वहाँ पे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो आई गेस यही ज्यादा बेटर है। मे भी गोकर्णा जब साथ में और भी कुछ लोग होंगे तब कभी चली जाऊंगी। बाय द वे यहाँ से जाऊंगी ना अगर मैं राइट जो मैं कल रात के अंदर गई थी तो वैगाटॉर बीच आ जाएगा। बस भाई यही है छोटी छोटी सी गलियां गोवा की जिसके लिए आई थिंक बार बार यहाँ पे लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा सुकून भाई, बहुत ही ज़्यादा सुकून। यहाँ आपको ज़्यादातर बाइक्स ही मिलेगी, टू व्हीलर एक्टिवा यही सब कुछ यहाँ पे चलता है। अब मैं यहाँ से हूँ तकरीबन 8 मिनट के डिस्टेंस पे। वैसे लोग है ना यूजुअली किलोमीटर्स के अंदर काउंट करते हैं बट मुंबई वालों को टाइम की आदत हो जाती है। फिश थाली फॉर 150 रुपीज़, वाह वाह वाह, क्या ही बात क्या ही बात। ये क्या है ब्रेकिंग और बी अ किंग, मैं ब्रेकिंग पढ़ रही थी। मच्छा जापानीज कैफे, ओके दिस लुक्स लिटिल इंटरेस्टिंग, मे बी आई विल विजिट दिस प्लेस। जापानीज कैफे, अगर मैं जापानीज कैफे गई ना तो मुझे एक मस्त टाइटल भी मिल जाएगा, जापानीज कैफे इन गोवा और दिस इज द मस्ट ट्राई जापानीज कैफे इन इंडिया। ऐसे टाइटल बनाते ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग। मेरे को लगता है मुझे वैसे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि जब मैं जो होता है वीडियो के अंदर सीधा सीधा डाल दूँ ना तो लोग इतना ज्यादा देखते नहीं है बट जैसे ही लोग ऐसा कुछ उल्टा सीधा करके लिखते ना तो मतलब लोग बड़ा इंटरेस्ट के साथ उन वीडियोज को देखते हैं, चाहे अंदर कुछ खास कॉन्टेंट हो ना हो बट नहीं हम आपको देंगे क्वालिटी कॉन्टेंट। ओके क्वालिटी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। देखो बच्ची बच्ची कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है, इसी बात के ऊपर आप इनको सब्सक्राइब कर दो इस बच्ची को। देखो मैं कैमरा अपने मुंह के ऊपर लगा के जो कि कम से कम 150-200 ग्राम का है, ठीक है, एंड ये इजी नहीं होता है 150-200 ग्राम का कैमरा मुंह के ऊपर लगा के चलना बट हम चल रहे हैं। अब जैसे ही मैं जगह एंटर करूंगी ना, क्योंकि ये एक अंजुना भी मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर जगह है तो यहाँ पे एंटर करने के साथ ही मुझे बहुत सारे इंडियन क्राउड देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं खुद भी एक इंडियन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडियन क्राउड से। प्रॉब्लम ये होता है कि जो ऐसे लड़के आ जाते हैं ना यहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी अलग होती है, यू नो ये लोग अपनी अलग ही धुनकी के अंदर आए होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पता नहीं क्या ही हो रहा होता है। उन्होंने शायद किसी मूवी वगैरह के अंदर देख लिया होगा कि कोई लड़की है जो कि बीच के ऊपर चलते हुए जा रही है, स्पेशली कोई रशियन है तो उन्हें लगता है कि बस गोवा में सब ऐसा ही है। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे भी एक प्रॉपर सिटी है, लोग अपना काम पे जाते हैं, लोग बच्चे यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे आपकी मुंबई में होता है या जैसे आप दिल्ली में होता है वैसा ही है। बस हाँ ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो कहते हैं ना अपना, वो कहते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई, जब यहाँ पे लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो यहाँ पे इस तरह की सप्लाई भी होने लगी कि हाँ भाई लोग हैं यहाँ पे जो लेट नाइट तक अपने क्लब्स वगैरह खुले रखते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी और सिटी वगैरह के अंदर आप देखोगे, लोग अपना आराम से घूमते फिरते खाते अपना सुबह काम पे जाते, बच्चे अपना स्कूल जाते हैं, मतलब एक प्रॉपर फैमिली वाले लोग यहाँ पे आके रहते हैं। यहाँ जितने जो लोकल गोवन से जितने लोगों से मैंने बातें की है ना, अब आते हुए भी मैं लोकल बस के अंदर ही आई हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उनके लिए मतलब जो हमने हवा बनाया होता है स्पेशली लड़कों ने कि भाई गोवा जाएंगे क्या करोगे गोवा जाके, हाँ जो लोग बियर वगैरह पीते हैं शायद या बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उन्हें शायद कुछ सस्ती मिल जाती है। असाइड फ्रॉम दैट भाई अगर आप गोवा सुकून के लिए आए हो ना तो ठीक है, अगर आपको बीचेस वगैरह देखने का शौक है तो ठीक है बट आई डोंट नो यहाँ पे आप गोवा कोई भी फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके मत आओ। मतलब मैंने ना एक्चुअल लोगों से बाद में सुना है कि वो कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भाई क्या ही बकवास है, हमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अच्छा लेफ्ट जाना था मुझे, मैंने लेफ्ट टर्न मिस कर दिया बात करते करते। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम गोवा आई थी तब मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए आई हुई थी
मतलब मेरी अपनी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, मेरी अपनी कजन की थी, उनकी ऑफिस की वजह से तब मैं यहाँ पे आई हुई थी। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम गोवा आते हैं ना, उनको टीटोस कैफे जाने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही पॉपुलर सा क्लब है यहाँ पे। बट ट्रस्ट मी, मैं आज तक गोवा के किसी भी क्लब के अंदर नहीं गई हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप पैसा दे के इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक क्यों सुनोगे, ऊपर से और ज़्यादा पैसा दे के महंगा खाना क्यों खाओगे। ओह दिस इज़ सो क्यूट। मतलब पहले तो आप खुद अपने पैसे दो, फिर पैसा दे के आप महंगा खाना खाओ, फिर पैसा दे के आप क्लब के अंदर अपनी एंट्री करो, कुछ कवर चार्ज होगा ऐसा कुछ होता है आई गेस, फिर पैसे दे के जो लोग अल्कोहल भी पीते हैं वो और ज़्यादा महंगी अल्कोहल पीते हैं और फिर खुद ही डांस करते हैं। मतलब ऐसे भी नहीं कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए कोई और वहाँ पे आएगा, आपको खुद को ही सब कुछ करना है। तो मुझे ये सब कुछ थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। ओके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। सो भाई जिस तरह से ये जगह मुझे दिखाई दे रही है, डेफिनेटली मैं सनसेट से पहले पहले ही यहाँ से निकल जाऊँगी। देखो अगर आप अकेली लड़की भी कहीं आते हो ना ऐसे, ट्रस्ट मी, ऐसे कोई कहीं पे आपको ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं होती है, सब कुछ बहुत ज़्यादा सेफ है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको खुद को ही डर लग रहा होता है, बिकॉज यू नो कहीं पे स्ट्रीट लाइट होती है कहीं नहीं होती है। सो वॉट यू कैन डू इज सिंपली आप लोग आ जाओ अपना डे टाइम के ऊपर आओ, जैसे कि मैं अभी आई हूँ। जैसे ही 5:30 बजेंगे मुझे लगेगा हाँ भाई बहुत ज्यादा दिन ढलने लगा है, तो मैं लोग आते हैं कि हम सनसेट देखने के बाद ही जाएंगे। अब अगर आप अकेले हो एंड आपको पता है कि आप जिस गलियों से आए हो, अंदर जा सकते हैं, बीच में जाने का रास्ता कहाँ से है, पेड पार्किंग है क्या, पेड पार्किंग है, चलो पेड पार्किंग के अंदर ही लगा देते हैं। वैसे जहां तक मुझे याद है आगे से जाने का रास्ता था, यहाँ लगा दो सामने इनसाइड, ओके या गॉट इट। चलो भैया पहुंच गए, अभी हेलमेट से अपना कैमरा वगैरह निकाल लेते हैं एंड देन अपने खुद के हैंड हेल्ड कैमरा बना के इसको अंदर लेके जाएंगे। ओके फिर आपको मैं अंदर बीच दिखाती हूँ।